गोवर्धन में बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा चलाई जा रही बाल वन वृक्षारोपण के तहत मथुरा जिले के 6 विद्यालयों को वृक्षारोपण के लिए चयनित किया गया है, जिनमें से गोवर्धन तहसील के प्राथमिक विद्यालय ग्राम पंचायत नैनू कला में बाल वन वृक्षारोपण प्रोग्राम किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष किशन चौधरी, ग्राम प्रधान नैनू पट्टी डॉक्टर देवेंद्र सिंह मौजूद रहे। विद्यालय के छात्र छात्राओं और अध्यापक अध्यापिका और प्रधानाचार्य द्वारा वृक्षारोपण किया गया। वहीं इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी किशन सिंह ने कहा कि वृक्षों से ही जीवन संभव है और हम सबको ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। आज वृक्षारोपण हुआ है तो आप इसको जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह, प्रधान नैनू पट्टी पंचायत। आज जिस तरीके से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जिले के अंदर 6 विद्यालयों को बाल वन वृक्षारोपण के लिए चुना है, उसमें प्राथमिक विद्यालय नैनू भी है, और उसी के तहत जिला अध्यक्ष श्री किशन सिंह जी की अगुवाई में यहाँ प्राथमिक विद्यालय के अंदर वृक्षारोपण का कार्यक्रम बाल वन के तहत हुआ है, जिसमें खंड विकास अधिकारी भी उपस्थित थे। देखिए, मैं सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी द्वारा जो 35 करोड़ वृक्ष लगाने की जो योजना है 15 अगस्त तक, उसका यही संदेश है कि पूरे प्रदेश के अंदर सब लोग जनभागिता सहभागिता के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, जिससे भू निर्माण, भूमि सुधार और जो भी कह रहे हैं ना टेम्परेचर वृद्धि हुआ है उसको नियत कर सकें। और सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर कहते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष रहेंगे तो स्वस्थ वातावरण रहेगा, और एक बिल्कुल प्रसिद्ध स्लोगन है, स्वस्थ रहेगा वातावरण तो एक तरीके से स्वस्थ शरीर रहेगा, स्वस्थ जीवन शैली रहेगी। तो आप सबको नैनूपट्टी पंचायत वासियों की तरफ से भी इस वृद्ध वृक्षारोपण के लिए शुभकामनाएं, और पूरे जिले के अंदर एक संदेश और पूरी नैनूपट्टी पंचायत बड़े लेवल पर वृक्षारोपण कार्यक्रम में सहभागिता रख रही है। ये सब जन सहभागिता से हो पाया है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।